नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा। #WeSupportIndia जो पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें, ईडी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, FIR दर्ज की गई है। बिना सर्च वारंट दिखाए टीएमसी नेता की आवाज पर तोड़फोड़ करने लगी थी ईडी, अधिकारियों के खिलाफ में जवाबी FIR दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, कथित राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर टीएमसी नेता के समर्थकों की भीड़ ने हमला कर दिया था, और अब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में एक जवाबी FIR दर्ज की गई है, जिसमें यहां पर कई गंभीर आरोप ईडी के अधिकारियों पर लगाए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर अगली खबर बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम तय हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक कर इसका फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला मोर्चा, मणिपुर से लेकर के 146 सांसदों का निलंबन तक को साधने की तैयारी में कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण किया जाएगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों से बात करेंगे, उनके समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श यहां पर राहुल गांधी करेंगे। यात्रा के दौरान तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, और यहां पर जो नामी हस्तियां हैं वे भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होती हुई दोस्तों नजर आएंगे। राहुल गांधी की ये जबरदस्त यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है, इसको लेकर के यहाँ पर लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दी गई है। पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी का कहना है कि न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी यात्रा। इसके साथ ही अगली खबर बताते चले, महिला पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण को जल्द ही यहां पर सजा दी जा सकती है। बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपों पर बहस पूरी कर ली है, 20 जनवरी को अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अदालत ने अब मामले को 20 और 23 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जहां पर शिकायतकर्ताओं के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 6 महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। बताते चले दोस्तों, जल्द ही इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ सकता है, और ब्रजभूषण की लोकसभा के चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने यहां पर आरोपी माना है ब्रजभूषण को। अगली जो खबर आ रही है, बताते चले, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। और वहीं अब कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मेरे गवर्नर पद का समय पूरा होते ही सीबीआई मेरी जांच करने पहुंच गई थी, लेकिन मैंने भ्रष्टाचार करने वाले जिन व्यक्तियों का नाम बताया था उनकी आज तक कोई भी जांच नहीं हुई है। ये यहां पर सत्यपाल मलिक का कहना है। इसके साथ ही यहां पर उन्होंने बड़ा बयान ये भी दिया है कि जनता के पास अभी 24 का मौका है, और सरकार को जनता चाहे तो बदल सकती है, जनता कुछ भी कर सकती है, इसलिए यहां पर जनता को सोच समझ के मतदान करना है इस बार। ये कहना है सत्यपाल मलिक का। अगर आप लोग भी सत्यपाल मलिक के बयान से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो अगली अपडेट आ रही है, बताते चले, मोहन यादव के सीएम बनने की भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष का बड़ा दावा, शिवराज बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए 2024 का साल यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के लिए 2024 उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, भारतीय राजनीति में
वह अपने आप को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए स्वर्णिम साल रहने जा रहा है। बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी, ये यहाँ पर कहना है मुकेश शास्त्री का। राहुल गांधी में एक नया जोश और जुनून दिखाई देगा जो उनके आने वाले समय को बेहतर बनाने जा रहा है। इतना ही नहीं, मुकेश शास्त्री ने बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ज्योतिषाचार्य मुकेश शास्त्री ने कहा है कि शिवराज जी के बारे में हमने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। शिवराज जी भारतीय राजनीति में पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं, सेंट्रल की राजनीति में स्थापित होने जा रहे हैं। आप आने वाले समय में उनके अलग अवतार को देखेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अंदर पार्टी अध्यक्ष के रूप में शिवराज सिंह चौहान स्थापित हो सकते हैं। इस साल के अंत तक या अगले साल वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई देंगे, ये यहाँ पर बड़ी भविष्यवाणी की गई है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को लेकर के। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ा दी है जेडीयू ने। आज तक रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण को जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि न्यूज चैनल और अखबार ने जानबूझ करके फेक न्यूज चलाई और जेडीयू में विवाद की बात कही। उन्होंने फेक न्यूज चलाने के लिए माफी मांगने को कहा है, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करेंगे ललन सिंह। ये यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है गोदी मीडिया के चैनल को दोस्तों, देख सकते हैं बड़ी खबर आई है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी, ये यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। तो हम नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, ये यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा का दोस्तों बड़ा दावा सामने निकल के आया है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले कि ईडी की चार्जशीट में आया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम, अब जल्द ही मिल सकता है उनको समन। ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, यानी कि भूपेश बघेल की तरफ से ये बयान आया है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर यहाँ पर साजिशें रच रही है, गिरफ्तारी कर रही है और उनसे दबाव पूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ में बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई भी आधार है ही नहीं। ये यहाँ पर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है पूरे मामले पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।